हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 10 का जो विज्ञान है उस विज्ञान का बायोलॉजी सेक्शन पढ़ेंगे। उस बायोलॉजी सेक्शन में हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 है क्या, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं आखिर। ठीक, तो यह विज्ञान में देखेंगे तो विज्ञान का यह 8वां पार्ट है। बायोलॉजी में देखेंगे तो बायोलॉजी सेक्शन का तीसरा वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट जो है वह आपके चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, जो COVID-19 महामारी को देखते हुए 30% पाठ्यक्रम कम किए गए हैं। उसी के तहत आपका दूसरा वाला चैप्टर क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये तीसरा चैप्टर है आपका, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं। एक वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, पहले वाले वीडियो में, कि जीव में जनन होता क्या है, जनन के कितने प्रकार हैं, आखिर जनन आवश्यक क्यों है। ठीक है, और किस किस प्रकार से जीव जनन कर सकते हैं। ठीक, तो जीव जनन कैसे करते हैं इसका हम लोगों ने उत्तर देख लिया था। हम लोगों ने देखा था कि तीन चीजें हम लोगों के सामने उभर के आई थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या था आपका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा क्या था आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें थी। वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन या वर्धी जनन, और ए सेक्सुअल का मतलब होता है आपका कि अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, लैंगिक जनन। ठीक है, ये तीन चीजें थी आपका। तीन चीजों में हम लोगों ने जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को देखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के विषय में हमने बताया था कि पौधे में यह होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पौधे में होता है, कुछ एक कोशिकीय जीवों में भी होता है। ठीक है, क्योंकि मेनली पौधों में ही गिना जाता है, लेकिन यह ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही अंग है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक अंग है। ठीक है, तो यह समझेंगे हम अभी कैसे अंग है बाद में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही अंग है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसलिए हमने क्या हमने देखा था कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जनन होता है, और मेनली तो पौधों में ही जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो जो कोई भी पौधा है तो पौधे का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है या कायिक पार्ट होता है, हिंदी में कहते हैं इसे कायिक जनन। जो कायिक जनन होता है वह कायिक जो अंग होता है, तो पौधे में तीन कायिक अंग है। जो पौधा तीन कायिक अंग है, जड़ है, तना है, और कौन सा है, पत्ती है। जड़ है, तना है, पत्ती है, तीन कायिक अंग है। और ये जो चौथा वाला पार्ट जो होता है पुष्प होता है पौधे में। इसके अलावा कुछ और भी होता है क्या, कुछ और भी होता है नहीं ना। तो ये देख लीजिए, ये जो पुष्प है यह मात्र क्या है, यह लैंगिक अंग है। यानी पुष्प के द्वारा जब जनन होगा तो वह लैंगिक जनन होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये वाला। तो हमको इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके विषय में हमको देखना है कि किसी भी पौधे का जो कायिक अंग है वह तीन है, जड़ है, तना है, पत्ती है। इनके द्वारा अगर किसी नए पौधे का जन्म होता है, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, इनके द्वारा अगर किसी नए पौधे का जन्म होता है तो हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहेंगे। याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा,
कि पौधे के कायिक अंग जड़ तना पत्ती होते हैं और इनके द्वारा यदि किसी नए पौधे का जन्म होता है तो उस जनन की प्रक्रिया को कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की परिभाषा हो गई। और हम लोग तो चूंकि गांव में रहते हैं इसलिए हम लोग पेड़ पौधा घास फूल लगाते हुए देखते रहते हैं, तो सब कुछ पता है कि कौन क्या काटने पर लगता है। तो जड़ के द्वारा हम लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो पौधे हैं, आम है आपका, ठीक है, आम का जो पौधा है, तो वह नीम है, जो यह सब बड़े बड़े जो पौधे हैं तो इनका जड़ ही लगाया जाता है, तभी पौधा वो क्या होता है, पौधा ग्रो करता है। यानी कि जड़ सहित जब लगाएंगे तभी पौधा क्या करेगा, ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि आम का डंठल काट करके, आम का तना काट करके लगा देंगे तो पौधा बन जाएगा, आम का पत्ती काट के कहीं लगा देंगे तो पौधा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। नीम का क्या है कि आप क्या करेंगे कि नीम का तना काट दिए और नीम को जगाड़ देंगे तो नया पौधा नहीं होगा। पत्ती और क्या है कि नीम का पत्ती तोड़ करके आप नया पौधा बना देंगे, नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो होगा क्या? जड़ के द्वारा जनन, यानी कि जिसका भी हम जड़ लगाते हैं, जड़ लगा करके नया पौधा बनाते हैं, नए पौधे को रूप देते हैं, तो जड़ के द्वारा जनन हो गया। ठीक है, तने के द्वारा जनन क्या होता है, जिसका हम तना लगाते हैं तने से जनन होता है। बहुत सारे उदाहरण है इसके, तने का गुलाब का ले लीजिए, गुलाब का भी टहनी काट करके हम लगा देते हैं नया निकल जाता है। ठीक है, अब गुड़हल का ले लीजिए, गुड़हल को भी हम लगा देते हैं नया, गुड़हल का एक पौधा तो उसका तना काट करके तो भी नया गुड़हल का फूल निकल जाता है। तो हम लोग करते हैं, डेली करते हैं, इसलिए समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस सुन लीजिए आपके दिमाग पटल पे आ जाएगा। गन्ना की खेती करते हैं, गन्ने का तना ही तो काटते हैं, छोटा छोटा तना ही काट करके न लगाते हैं खेत में, तो वहां से निकलता है एक एक गन्ना नया नया, कि गन्ने को खड़ा गाड़ देते हैं उखाड़ करके, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, उसको हम लोग काट करके, तने को काट करके ही ना गन्ना लगाते हैं, ऐसे गन्ने को ऐसे लगा देते हैं क्यारी में, तो नया गन्ने का पौधा उत्पन्न होता है उससे। तो गन्ना हो गया, गुड़हल हो गया आपका, उसके बाद गुलाब हो गया, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपने कॉपी में अपने आसपास जो भी तने के द्वारा जनन आप लोग देखते होंगे या खुद अपने खेत में अपने बागवानी में करते होंगे, लिख लीजिएगा उदाहरण याद करने के लिए, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। पत्ती के द्वारा जो जनन है यह हम आपको बता दिए थे कि दो चीजें हैं आपका, ब्रायोफिल्लम है, क्या है, ब्रायोफिल्लम है और एक बिग्नोनिया है। ब्रायोफिल्लम है और एक क्या है, बिग्नोनिया है। ठीक है, एक बिग्नोनिया है, बिग्नोनिया। तो ब्रायोफिल्लम जो है इसी को कहते हैं अजूबा, ब्रायोफिल्लम को ही कहते हैं अजूबा, देखे होंगे आप लोग अजूबा कहते हैं। अब बिग्नोनिया भी एक है, क्या है, बिग्नोनिया भी एक प्लांट है। ठीक, तो दो चीजें हैं, ब्रायोफिल्लम और बिग्नोनिया, इन दोनों में पत्ती के द्वारा जनन होता है। कैसे होता है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये पत्ती है आपकी, और पत्ती में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी जाते हैं। एक पत्ती है, पत्ती में क्या होता है, बर्ड होता है। पत्ती है, पत्ती में क्या है आपका, इसके किनारों किनारों पर, ऐसे किनारों किनारों पर उभार होता है, उचित माहौल मिलने पर, उचित अनुकूल परिस्थिति मिलने पर। अनुकूल परिस्थिति का मतलब कि इस पे जब यह पत्ती इस पेड़ से पौधे से टूट करके जमीन पर गिर जाती है और उसमें मिट्टी पड़ता है, जल मिलता है, पोषण मिलता है, तो इन्हीं भागों से, इन्हीं जो बर्ड्स हैं, ये जो आपके उभार हैं, इन्हीं उभारों से नए नए पौधों का जन्म हो जाता है, नए नए पौधों का जन्म हो जाता है। इसे पत्ती के द्वारा जनन कहते हैं, ब्रायोफिल्लम। तो ब्रायोफिल्लम में यह उभार कहाँ होते हैं, किनारों पर होते हैं। अब बिग्नोनिया में यही कहाँ होते हैं आपके, बिग्नोनिया जो है यही कहाँ होते हैं, एकदम ये पत्ती के सतह पर होती है। ठीक है, पत्ती के सतह पर होती है, बस अंतर इतना ही है। ठीक, बिग्नोनिया में आपके सतह पर, ब्रायोफिल्लम में किनारे किनारे पर होते हैं, कंडीशन दोनों की एक ही है। तो यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कुछ और भी तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जिसे कहते हैं कृत्रिम रिप्रोडक्शन, कृत्रिम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कृत्रिम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो कृत्रिम क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि
आर्टिफिशियली उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कलम लगाना और रोपण, कलम लगाना रोपण देखे होंगे, कई विधियां इसमें देखे होंगे। तो करते क्या है कि अगर दो प्रजाति है आर्टिफिशियल में, देख लीजिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वह मान लीजिए कि दो पौधे हैं, एक पौधा खराब नस्ल का है, एक पौधा अच्छे नस्ल का है। दो पौधे हैं, एक पौधा खराब नस्ल का है, एक पौधा अच्छे नस्ल का है। तो हम करेंगे क्या कि दोनों का क्रॉस कराएंगे, दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो उससे हमको क्या होगा कि एक मध्यम नस्ल का पौधा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको गन्ने की खेती करनी है। अब गन्ना क्या है, गन्ना लंबा तो है लेकिन बहुत क्या है, पतला है। गन्ना लंबा तो है बहुत पतला है, दूसरी तरफ एक गन्ना उसी में क्या है, मोटा तो है लेकिन बहुत छोटा है। तो हमको क्या चाहिए, गन्ना मोटा भी हो और गन्ना लंबा भी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि मोटे वाले गन्ने का क्रॉस कराएंगे पतले वाले गन्ने के साथ। तो जब दोनों मिलेंगे तो हमको मिश्रित नस्ल का प्राप्त होगा पौधा, और वह पौधा कैसा होगा, मोटा भी होगा और लंबा भी होगा। उदाहरण के लिए आम के पौधे में देख लीजिए, आम का पौधा है, आम के पौधे में एक आम का पौधा है कि जिसके फल छोटे छोटे हो रहे हैं लेकिन बहुत अधिक संख्या में है, और एक आम है उसी नस्ल का दूसरा आम है कि जिसके फल बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन क्या है, वह कम संख्या में है। तो करेंगे क्या हम लोग, एक आम का पौधा ले लेंगे, एक आम के पौधे, एक आम का जो प्लांट है उसको ले लेंगे, उसकी टहनी को ले लेंगे। और लेने के बाद करेंगे क्या, लेने के बाद करेंगे क्या हम लोग कि वहां पर एक जगह से कट कर देंगे, एक नस्ल का पौधा ले लेंगे। तो मान लीजिए कि हमने किसको ले लिया है, हमने ले लिया कि जिसको जिसमें फल ज्यादा लग रहे थे लेकिन छोटे छोटे थे, इसको ले लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कटिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कटिंग करेंगे, कटिंग कर देंगे, ऐसे कटिंग कर देंगे। जब कट करके इतना निकाल लेंगे तो और दूसरा वाला जो पौधा है उसको भी कट करके निकाल लेंगे, जिसमें फल बड़े बड़े हो रहे थे लेकिन कम हो रहे थे। तो उसको क्या करेंगे हम, ला करके इसी में फिट कर देंगे, इसी में ला करके हम ऐसे फिट कर देंगे। तो इसे ही कहते हैं क्या, कलम लगाना। इसे ही कहते हैं हम लोग कलम लगाना। ये क्या है, कलम लगाना, कलम लगाना। तो ये क्या है आपका, इसमें जब कलम लगाना या बंध लगाना, कलम लगाना भी कहते हैं, बंध भी कहते हैं, बंध लगाना। अब यहाँ पर जब हम दूसरा नस्ल, ये पहले नस्ल वाला था, ये दूसरे नस्ल वाला था, लगा करके इसको क्या करेंगे, यहाँ बांध देंगे, किसी टीप से बांध देंगे, पन्नी से बांध देंगे, किसी भी चीज से बांध सकते हैं इसको, जिससे यह टिका रहे यहाँ पर। तो जब यह उचित परिस्थिति मिलेगी जड़ के द्वारा, जब इसको पोषण मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो यहां से इस कंडीशन से यहां से एक नए पौधे का जन्म होगा, एक नए पौधे का जन्म होगा, एक नए आम के पौधे का जन्म होगा। और ये वाला आम का पौधा जो होगा उसमें फलों की संख्या भी अधिक होगी और फलों का साइज भी बड़ा होगा। यह आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक जनन। ये क्या है, कृत्रिम कायिक जनन का एक उदाहरण है और कलम लगाना विधि है। ठीक, रोपण देख लीजिए, कुछ और भी तरीके हैं रोपण में। देख लीजिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे क्या है कि आपका, आप अपने आसपास देखे होंगे कि नींबू है, नींबू का पौधा खूब बड़ा सा हो गया है, एकदम झंकार हो गया, झाड़ उसके पूरे हो गए हैं। तो उसको क्या करिए आप, उसका जो एक टहनी है, नींबू का एक पौधा है आपका, नींबू से, नींबू के पौधे से क्या निकला हुआ है, एक टहनी जो निकला हुआ है। तो यहाँ से इसकी कई टहनियां ऐसे निकली होंगी ना, ऐसे कई टहनियां निकली होंगी, यहाँ से भी टहनी निकली है। तो एक टहनी को क्या करिए आप, एक टहनी को आप ऐसे झुका लीजिए, जमीन में झुका लीजिए, जमीन में झुका कर गिरा लीजिए, गिर जाएगा। और यहाँ पर क्या करिए आप, इसमें थोड़ा सा इसको छील दीजिए, भाग छील दीजिए, और छील करके ऊपर इसकी मिट्टी डाल दीजिए।
जब मिट्टी डालेंगे और इसको उचित पोषण मिलेगा तो नीचे जड़ निकलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से एक नया नींबू का पौधा निकल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ाते जाए ऐसे बढ़ता जाएगा। तो नींबू में देख लीजिए, नींबू में अंगूर में, नींबू में अंगूर में भी एक कंडीशन होता है कि इसमें क्या है कि ऐसे आप लगाते जाएंगे नया पौधा निकलता जाएगा, लगाते जाएंगे डाली को नीचे दबाते जाएंगे मिट्टी में नया पौधा निकलता जाएगा। तो यह भी कृत्रिम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। ठीक है, और भी कृत्रिम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा जब 12 में जाएंगे तो पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे इसके विषय में। ठीक है, आप इतना ही जानिए अभी तक। इसके बाद क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका लगभग खत्म हो गया। इसके बाद है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यानी कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के विषय में हम लोग देखेंगे। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे बाद में, पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो अलैंगिक जनन जो होता है यह यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब सिर्फ इसमें एक ही पक्ष भाग लेता है, यानी कि एक ही पक्ष का भाग लेने का मतलब या तो मेल गैमेट्स होगा या तो फीमेल गैमेट्स होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मेल सेक्स होगा चाहे फीमेल सेक्स होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेल फीमेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा इसमें। सिर्फ मेल रहेगा तो मेल, फीमेल रहेगा तो फीमेल। यूनिपेरेंटल यानी कि पितृपक्ष एक ही होता है, एक ही पितृपक्ष होता है, यूनिपेरेंटल होता है। दूसरा क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा संतति बनता है, आप स्प्रिंग जो बनता है, वह संतति क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? कॉपी, टू कॉपी होता है। टू कॉपी क्या होता है भाई, एक ही पेरेंट भाग ले रहा है। तो जो गुणसूत्र, जो चीजें, जो कमियां, जो अच्छाइयां, जो बुराइयां उसके अंदर होंगी वही उसके बच्चों में जाएंगी। ठीक है, एक ही संतति क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, यानी कि टू द कॉपी एकदम प्रोड्यूस होता है। जो नया संतति बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एकदम टू द कॉपी बनेगा, एकदम टू कॉपी बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका यूनिपेरेंटल है। संतति क्या है, आइडेंटिकल बनता है, अपने ही समान बनता है। ठीक, और दूसरा तीसरा क्या है कि यह जो विधि है, यह विधि रिप्रोडक्शन की यह विधि क्या है, आसान है। रिप्रोडक्शन की यह विधि कैसी है, आसान है। एक ही पेरेंट से बनाना है, एक ही पेरेंट से बनाना है तो आसान है। चौथा क्या है, इसमें एनर्जी कम लगती है, यानी कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा का खपत जो है कम होता है, ऊर्जा का खपत कम होता है, खपत कम होता है। क्यों कम होता है कि भाई जब विपरीत सेक्स आपस में मिलेंगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, लेकिन एक ही से पैदा करना है तो ऊर्जा कम लगेगी। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक जनन यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पितृपक्ष भाग लेता है और इसके द्वारा, इसी के द्वारा क्या होता है कि असंतति की उत्पत्ति होती है। इसके द्वारा उत्पत्ति संतति जो होता है यह टू द कॉपी यानी कि आइडेंटिकल होता है, अपने पितृपक्ष का आइडेंटिकल होता है। इसमें यह विधि आसान है और इसमें समय भी कम लगता है, विधि आसान है, समय भी कम लगता है, ऊर्जा का खपत इसमें कम होता है। ठीक है, यह है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ठीक है,
अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्रॉबैक कौन सी हैं, कमियां कौन सी हैं, अभी जब हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन हम पूरा ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाएगा। तो मिटा दिया हमने, स्पेस हमको मिल गया। यहां से हमको पढ़ना क्या है, हमारा जो टॉपिक था वो था अलैंगिक जनन, क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने देख लिया था, काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। काइंड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार देखेंगे, काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से हम कुछ निश्चित कुछ क्या है चुनिंदा देखेंगे। पहला क्या है हमारा, फिशर, पहला है हमारा, पहला जो प्रकार है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिशर, या फाई डबल एस आई ओ एन, फिशर को हिंदी में कहते हैं विभाजन, क्या कहते हैं, विभाजन, ठीक है, फिशन को हिंदी में कहते हैं विभाजन। तो फिशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग ले रहा है तो उसी पेरेंट का क्या होगा, विभाजन होगा, यानी कि दो खंड में विभाजित होगा, विभाजित होकर के दोनों नए अपने कोशिका नए नए संतति को उत्पत्ति करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यह भी देख लीजिए। फिशन जो है, फिशन भी दो प्रकार से होता है, फिशन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका, एक जो फिशन का प्रकार है, एक जो फिशन का प्रकार है वो कौन सा है आपका, बाइनरी फिशन, क्या है, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। और दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार क्या है आपका, एक बाइनरी फिशन है और दूसरा क्या है, मल्टीपल फिशन, दूसरा क्या है, मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन को हिंदी में कहते हैं द्विखंडन, द्विखंडन, ठीक है, और मल्टीपल फिशन को हिंदी में कहते हैं बहुखंडन, क्या कहते हैं, बहुखंडन, ठीक है। तो फिशन यानी कि विभाजन, विभाजन दो प्रकार का, पहला बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन को हिंदी में कहते हैं द्विखंडन और मल्टीपल फिशन को बहुखंडन। द्विखंडन बहुखंडन का तात्पर्य बात सही समझ रहे हैं कि जो आपका जीव होगा, जो पेरेंट्स होगा, वो पेरेंट्स दो भागों में विभाजित होगा, यानी कि उसके दो खंड होंगे, द्विखंड होंगे, दो खंड होंगे और दोनों खंड एक एक नए जीव को उत्पन्न करेंगे, ठीक। मल्टीपल फिशन बहुखंडन, बहु मतलब बहुत, अखंडन मतलब खंड हो रहा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक ही जीव होगा, वह जीव कई खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड एक एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा। तो यह क्या है, खंडन का, विभाजन का क्या है, प्रकार है। तो बाइनरी फिशन देखिए, बाइनरी फिशन के भी कई प्रकार हैं आपके, बाइनरी फिशन के भी कई प्रकार हैं, देख लेते हैं हम लोग, चाक ले लेते हैं। तो बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन में आपका ये जो दो खंड में विभाजित होना है, तो भाई निश्चित नहीं है कि दो खंड में आप क्या है, कैसे विभाजित होगा,
कई तरह से विभाजित, विभाजन दो खंड में हो सकता है। किसी को पता चले यहाँ से ऐसे पकड़िए, यहाँ से चीर के फाड़ दीजिए, किसी को पता चले कि उनका पैर पकड़िए, पैर से लेकर मुड़ी पकड़ के ऐसे फाड़ के फेंक दीजिए, तो भाई ये दो खंड तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो वही दो खंड करने के आधार पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन को भी बांटा गया है कई भागों में। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से भाग है वो सब। तो बाइनरी फिशन का भी जो पहला प्रकार है वो क्या है, पहला वाला जो है वो क्या है, इररेगुलर। क्या है? इररेगुलर, इररेगुलर बाइनरी फिशन। दूसरा क्या है आपका, इररेगुलर बाइनरी फिशन। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है। तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। तीन चीजें हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिशन के कितने प्रकार? तीन प्रकार, मुख्य रूप से तीन प्रकार। ये तीनों प्रकार है आपका, इररेगुलर बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। ये क्या होता है, इररेगुलर का मतलब क्या है, अनियमित। क्या है? अनियमित है, इसका कोई नियम नहीं है। कहां से टूटेगा? दो खंड में टूटेगा, कहां से टूटेगा, कोई नियम है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यानी कि ऊर्ध्वाधर, और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, क्षैतिज। ये क्या है आपका, ये क्षैतिज है, क्षैतिज। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो यह क्षैतिज द्विविभाजन, क्षैतिज ट्रांसवर्स, यहां लिख लीजिएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ये इसका हिंदी क्या है, क्षैतिज द्विविभाजन, क्षैतिज द्विविभाजन। इसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन है, इसका क्या हो जाएगा, अनियमित द्विविभाजन, ठीक। तो हिंदी इसका समझ लिए आप लोग, इसका क्या है, अनियमित द्विविभाजन, और लॉन्गिट्यूडिनल का ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का क्षैतिज द्विविभाजन। इसको लिख लीजिएगा इररेगुलर बाइनरी फिशन, हिंदी में अनियमित द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, हिंदी में ऊर्ध्वाधर बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, क्षैतिज द्विविभाजन। तीनों का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इररेगुलर किसमें होता है, अमीबा में होता है। इररेगुलर बाइनरी फिशन किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में। तो अमीबा में बाइनरी फिशन इररेगुलर कैसे होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जो अमीबा है, अमीबा की आकृति कैसी होती है, अनियमित आकृति होती है, यानी कि कोई निश्चित आकृति नहीं है अमीबा की, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक अमीबा है आपका, ये इसका केंद्रक है। तो अमीबा में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि विभाजन निश्चित है कि किस जगह से होगा आपका, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ट्रांसवर्स ऐसे होगा, कहां से होगा, यह कोई निश्चित नहीं है। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, सिकुड़ता है, ऐसे ये बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य ही क्या करता है, ये सिकुड़ता है, और सिकुड़ करके क्या होता है कि ये मध्य में आता है, केंद्रक भी इसका क्या होता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा कि एक लास्ट स्टेज ऐसा आएगा कि अमीबा जो है एकदम सड़ जाएगा, और इसके केंद्र क्या होंगे, दोनों दो खंड में विभाजित हो जाएंगे, और लास्ट में एक अमीबा इधर और एक अमीबा इधर, ठीक। तो यह इररेगुलर विभाजन है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि यह जो साइटोप्लाज्म जो सटेगा यहाँ से सटेगा कि इधर से संकृत हो जाएगा, मतलब एक तरफ से हमने दिखा दिया है समझने के लिए। तो साइटोप्लाज्म जो है ये यहाँ पर इसका केंद्र, तो ये नहीं जरूरी है कि यहां से सटेगा
कि यहाँ से सटेगा, ठीक है। विभाजन यहाँ से होगा, यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा, निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनियमित द्विभाजन। लेकिन खंडन कितने होगा, दो भागों में होगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, अमीबा में समझ में आ गया। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल द्विभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल पाया जाता है युगलीना में और लेस्मानिया में, इसमें पाया जाता है युगलीना में और काला जाल उत्पन्न करने वाले जीव लेस्मानिया में, इसमें लेस्मानिया में आपके एनसीईआरटी में लेस्मानिया दे रखा है, युगलीना दोनों को आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। मिटाते हैं अमीबा के उदाहरण को, मिटाते हैं, आप फिगर को बनाते चलिएगा एक एक को, ठीक। युगलीना में देख लीजिए, युगलीना की जो आकृति होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है, युगलीना की आकृति जो होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है। तो यह जो गर्त है जहां से यह धसा हुआ है, तो इसका जो ये जो धसा हुआ है यहीं से क्या होता है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से जो होता है कि ये वाला भाग, इसका ये वाला भाग क्या है, और भी ये वाला भाग और भी ये अंदर की तरफ धसता जाता है, और भी अंदर की तरफ धसता जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब ये धसेगा तो धस करके दो भागों में ऐसे टूट जाएगा, ऐसे दो भागों में टूट जाएगा, और टूट करके बना लेगा क्या, कि ये दो भागों में टूट करके बना लेगा दो नया युगलीना, ठीक। समझने के लिए बताए हैं, तो युगलीना है, देखिए आकृति ऐसी है, गर्त जो है देखिए यहाँ से धसेगा, यहाँ से धस रहा है ना, देखिए यहाँ से धस रहा है, ऐसे 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 धसते धसते ये चला जाएगा, ये धस करके ऐसे ऐसे ये टूट करके अलग हो जाएगा, ठीक। ये दोनों टूट करके अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए आगे आपको बताए हैं, आगे देखिए दिखाए हैं हम कि ये धीरे धीरे अंदर घुस रहा है, अंदर घुसते 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 लास्ट में पहुंचेगा तो दोनों दो भागों में विभाजित हो जाएगा, इसका केंद्रक इसमें, इसका केंद्रक इसमें, दोनों दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, दो नए युगलीना का जन्म कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार से लेस्मानिया में भी होता है, लेस्मानिया में भी ठीक इसी प्रकार का विभाजन होता है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जीव होता है, ये क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाकर के इनको दो भागों में विभाजित करके यह भी क्या होते हैं, ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, लास्ट में जाकर के एक लेस्मानिया अलग इधर और एक लेस्मानिया इधर, दो लेस्मानिया बन जाते हैं, एक लेस्मानिया से दो लेस्मानिया बन जाते हैं, एक लिगुलिना से दो लिगुलिना बन जाते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनली हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एकदम ट्रांसफर सीधे फाड़ जा रहे हैं, दो भागों में फट रहे हैं, दोनों एक नए नए उत्पत्ति कर दे रहे हैं, नए नए जीव का उत्पत्ति कर दे रहे हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका क्षैतिज बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स पाया जाता है पैरामीशियम में, ट्रांसवर्स पाया जाता है किसमें, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में जो बाइनरी फिशन होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। जो पैरामीशियम होता है वो क्या होता है कि चप्पल के आकार का होता है, चप्पल के आकार का कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। हमको इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, हमको इसके जनन पढ़ना है। तो ये जो चप्पल का आकार का क्या है हमारा, ये जो आपका पैरामीशियम है, इसमें दो केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक होता है, गुरु केंद्रक होता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, या इससे यहाँ से ट्रांसवर्स, ये क्या होगा, जहां से गर्त है ना, देखे युगलीना में देखे थे ना आप, यहाँ ऊपर था ऐसे, युगलीना में ऐसे ऊपर था, अब पैरामीशियम कहाँ है, ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ। तो यही जब आगे बढ़ेगा तो यही गर्त क्या होता है, जो धसता जाएगा बीच बीच में, ऐसे धसता जाएगा, धस करके दो पैरामीशियम बना लेगा, एक अलग इधर एक अलग, दोनों बोल करके एक नए नए पैरामीशियम को जन्म दे देंगे। तो इस प्रकार के बाइनरी फिशन को ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं, यानी कि सब दो भागों में, अमीबा दो भागों में बटा, युगलीना दो भागों में बटा, पैरामीशियम भी दो भागों में बटा, और नए नए तत्व का उत्पत्ति कर दिया। तो फिशन किस प्रकार का बाइनरी फिशन है, द्विखंडन है, और फिशन का कौन सा प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ में आ गया, ठीक है, तीन चीजें। लास्ट है आपका मल्टीपुल फिशन। मल्टीपुल फिशन में क्या होता है,
कि इसमें बहुत सारे यानी कि बहुत सारे जो मल्टीपल फिशर में क्या होता है कि जीव एक ही रहेगा और इसमें बहुत सारा फिशर इसमें बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होंगी और सब नई कोशिका को उत्पत्ति करेंगी। है का मलेरिया का परजीवी जो है इसमें इसका उदाहरण जो है मलेरिया का जो परजीवी होता है उसका क्या नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है प्लाज्मोडियम। हमें जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम उस प्लाज्मोडियम में क्या होता है आपका ये होता है मल्टीपुल फिशर। अमीबा में भी मल्टीपुल फिशर होता है अमीबा भी जो होता है मल्टीपुल फिशर होता है। तो अमीबा में समझ लेते हैं अमीबा में मल्टीपुल फिशर कैसे होता है। तो ये जो अमीबा है ना अमीबा देख रहे हैं कि ये जो अनियमित आकार का है तो अगर यह सीडोपोडिया अगर एक ही समय पे सीडोपोडिया इसकी यहाँ से कट जाए यहाँ से कट जाए यहाँ से कट जाए अलग अलग तरीके से कट जाए तो एक कोशिका दो कोशिका तीन कोशिका ऐसे चार कोशिका में कट जाए तो चारों नए नए अमीबा को जन्म दे देंगे चारों नए नए अमीबा को जन्म दे देंगे। इसलिए अमीबा में भी क्या होगा क्योंकि चार भाग में विभाजित हुआ चार में भी हो सकता है पांच में छह में आठ में जितने इसके उभार होंगे उतने भाग में विभाजित हो सकता है और सब नए अमीबा को जन्म दे सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के फिशर को क्या कहते हैं हम लोग मल्टीपुल फिशर बहुखंडन कहते हैं। कैसा कहते हैं मल्टीपुल फिशर बहुखंडन कहते हैं। प्लाज्मोडियम में देख लीजिए प्लाज्मोडियम जो है वह प्लाज्मोडियम क्या है आपका कि यह प्लाज्मोडियम है क्या प्लाज्मोडियम एक परजीवी है कौन सा मलेरिया का परजीवी है। ठीक है मलेरिया प्लाज्मोडियम क्या है प्लाज्मोडियम आप लिख लीजिएगा मलेरिया 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 के परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है प्लाज्मोडियम में तो प्लाज्मोडियम में क्या हो जाता है कि ये जो प्लाज्मोडियम मान लीजिए कि यह एक प्रिय सेल है और इसके बाहर जो है आपका ये मान लीजिए प्लाज्मोडियम का सेल है। ठीक है तो ये जो प्लाज्मोडियम का सेल है ये प्लाज्मोडियम का जो सेल है तो इसके अंदर क्या होगा कि प्लाज्मोडियम सेल के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं ये प्लाज्मोडियम का सेल है तो ये इसमें कोशिकाएं हैं जब कोशिकाएं विभाजित होंगी इसके अंदर की तो ये कई भागों कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगी ऐसे 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 ये क्या करेगा कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा ये प्लाज्मोडियम है क्योंकि प्लाज्मोडियम का सेल है कई कोशिकाओं में विभाजित हो गया जब उचित परिस्थिति मिलेगी जब उचित इसको जब है पूरा परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व होने पर क्या होगा यहाँ से इसका डिहाइड्रेशन होगा फटेगा और फटने पर क्या होगा फटने पर यही कोशिकाएं बाहर निकलेंगी और बाहर निकल करके सब एक नए प्लाज्मोडियम को जन्म दे देंगी तो एक प्लाज्मोडियम से कई प्लाज्मोडियम का जन्म हो रहा था इसलिए इसको क्या कहा हम लोगों ने मल्टीपुल फिशन या बहुखंडन कहा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि टाइम्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जन्म के प्रकार में हम लोगों ने पहला वाला देखा था फिशन यानी कि विभाजन विभाजन के आधार पर अलैंगिक जनन जो है कितने प्रकार से हो सकता है किन किन जीवों में यह हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अलैंगिक जनन के कुछ और भी प्रकार देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए वीडियो देखिए कहीं से कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।